वेलकम टू नागालैन टीवी सब मन लगा वॉच व्यूअर्स एडिया मेहान आउसेंडन रिजु पुर्णा बाजार नियर आई एस बी टी आईन आसे कबूर पा निचना जी प्रोग्राम एक डांगर जहाँ से कौनपा घूरी आज गुल मिनिस्ट्री कौन से एम एस एम इ लगा तहान पर घूरी आज प्रोग्राम भी किया तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ऑफ मशीन एंड टूल किट्स अंडर ग्राम उद्योग विकास योजना और ये कि कौनपा भी आने लीड करी ऑनरेबल चेयरमैन के वि आई सी श्री मनोज कुमार और इतना सह निचना मानुन भी बेसि गिदार आज और बेनिफिशरीज भी इतना आज तो फेसिलिटी लगा बेनिफिट्स खान एवेल कर देखा ना आईन आज तो आगे किनका कि हम और किनका कि जाए और मेन आज कि अंडर एम एस एम इतना कि पाले आज बेनिफिशरीज खान ये अपने जाना दी भारत माता की भारत माता की भारत माता की हिंदी आती है हिंदी कितने लोगों को आती है हाथ खड़े करिए चलो ठीक है फिर हिंदी में बोलेंगे नहीं तो मैं सोच रहा था इधर की लैंग्वेज भी स्टार्ट करता हूँ मैं लिखा हुआ है आज के इस वितरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे खादी बोर्ड नागालैंड के चेयरमैन डॉक्टर केशोर सूजी ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष प्रभाकर यादव जी जो हमारी पार्टी से आते हैं केवीएससी नॉर्थ ईस्ट जोन के हमारे डेप्यूटी सीईओ श्री एस एस सील जी हमारे नागालैंड के स्टेट डायरेक्टर और यहाँ उपस्थित मेरे लाभार्थियों मेरे कारीगर भाई बहनों मेरी खादी संस्थाओं के साथियों मीडिया के साथियों और आमंत्रित अन्य महानुभाव केवीएससी के राज्य कार्यालय नागालैंड से उसके माध्यम से आज हमारे देश के प्रथम स्टेट नागालैंड की धरती पे जो वितरण कार्यक्रम मशीनरी टूल्स आयोजित किया गया है मैं जिन साथियों को ये टूल्स आज मिल रहे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं उनका अभिनंदन करता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नागालैंड की यहां सरकार उनके प्रयासों से डबल इंजन की सरकार नागालैंड में आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। नागालैंड एक समय दिल्ली में उस साइड लोग बोलते थे कि नागालैंड जाना बहुत डिफिकल्ट है आज कल रात दिल्ली में आज सुबह का ब्रेकफास्ट नागालैंड में और रात का डिनर गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट की यह कनेक्टिविटी हम सब के लिए आज गौरव की बात है जिस नॉर्थ ईस्ट को आज से 10 साल पहले विकास रोजगार आत्मनिर्भर भारत का अभियान ये क्या होता है इसकी एबीसी भी किसी को आती नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और उनका नॉर्थ ईस्ट के साथियों को लेकर प्रेम और समर्पण इस कदर बढ़ा कि आज मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा विजिट करने वाले अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जिन्होंने सबसे ज्यादा यहां विजिट करके नॉर्थ ईस्ट के मेरे साथियों को मेरे ट्राइबल भाई बहनों को दूर दराज बैठे सुदूर बैठे हमारे देश के एक एक नागरिक को किस तरह से मुख्य धारा में जोड़ा जाए किस तरह से उनको विकास
रोजगार, उसके साथ इस अभियान में अपना साथी बनाया जाए। इस दिशा में पिछले 10 साल में डबल इंजन की सरकार ने भरपूर प्रयास किया है। आज मैं अभी जब चेयरमैन साहब के साथ बैठा था, हमारी चर्चा चल रही है कि किस तरह से सरकार अपने पूरे प्रयासों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नागालैंड में विकास की नई गाथा लिखने के लिए बड़ी तेजी से काम कर रही है। और आज नागालैंड में जब इस तरह से हमारे युवा साथी राजनीति में होता, नागालैंड का भविष्य उज्जवल है। आने वाले समय में खादी ग्रामोद्योग के साथ नागालैंड में हम विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयास करेंगे। ग्रामोद्योग विकास योजना के माध्यम से आज जिन साथियों को ये मशीनरी टूल वितरण कार्यक्रम हुआ है, मैं उनको शुभकामनाओं के साथ, जिन मेरे साथियों को ये मशीनरी टूल किटन नहीं मिला है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सरकार का जब भी बेनिफिशियरी सिलेक्शन होता है, आप लोग उसमें अपनी भागीदारी बढ़ाएं। हमारे राज्य कार्यालय के साथ मिलकर आप लोग भी आगे इस तरह से सरकार द्वारा भेजे गए उत्पादों को अपने घर ले जा सकते हैं, अपने रोजगार के क्षेत्र में, अपने स्वरोजगार के क्षेत्र में उनको अपना एक प्रमुख हथियार बना सकते हैं। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, एक जमाना होता था कि हर किसी को नौकरी करने वाला बनना है, लेकिन 10 सालों में एक परिवर्तन आया है साथियों, और वह परिवर्तन यह है कि अब हमारे देश का युवा, अब हमारे देश की मातृशक्ति अब नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना है। इस दिशा में हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये नए भारत में एक परिवर्तन आया है। नए भारत का परिवर्तन, विकास की ये नई गाथा, समर्पण का ये भाव, राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने राष्ट्र को आगे लेके जाना है। एक एक हमारे नागरिक के मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति, उसको लेकर आगे बढ़ने का ये जुनून आज मैं यहां भी नागालैंड की इस पावन भूमि पे देख रहा हूं। आज मेरे एक एक नागा साथी राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत, आत्मनिर्भर भारत का ये सफर, उसमें अपने आप को आगे कैसे बढ़ाना है, उस बात के लिए राष्ट्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। मैं दिल्ली में हमारी एग्जीबिशन होती है IITF, जब बड़ी एग्जीबिशन होती है तो मैं देखता हूं सबसे ज्यादा अगर किसी उत्पाद की डिमांड होती है वो तो नॉर्थ ईस्ट की होती है और सबसे पहले नागालैंड की होती है। और ये आज आपने मुझे दे दिया, मैं इसको काफी समय से ढूंढ रहा था कि मुझे नागालैंड के हमारे पारंपरिक, हमारे सांस्कृतिक परिधान, जो हमारी शक्ति है, हमारे राष्ट्र की शक्ति है, हमारे इन परिधानों को जिनको पहनकर हमें राष्ट्र के लिए काम करने की एक नई प्रेरणा, नई शक्ति मिलती है। एक ऐसे भारत में हम लोग रहते हैं जहां पे हर राज्य की अपनी सांस्कृतिक विरासत है, जिसकी अपनी पहचान है। उस पहचान के साथ हम पूरी दुनिया में हमारे राष्ट्र का मुकुट ऊंचा करके चलते हैं, और जब किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो दुनिया आज कहती है कि आप हिंदुस्तान से आए हैं क्या। एक ऐसा देश जिसका निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राज्य सरकारें, हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर राज्य में चुनी हुई सरकारें हमारे केंद्र के साथ मिलकर विकास और विरासत, रोजगार, इस दिशा में आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे देश के युवा, हमारे देश की मातृशक्ति भारत की इस विकास यात्रा में सबसे ऊपर है। मेरा विभाग खादी ग्रामोद्योग, और जिसे मैं आज यहां सौभाग्यशाली हूं कि खादी ग्रामोद्योग
भारत सरकार के चेयरमैन और खादी ग्रामोद्योग नागालैंड के चेयरमैन दोनों एक साथ एक मंच पे आपके सामने उपस्थित है, आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए आपके सामने उपस्थित है सर। मुझे मैं देश के हर हिस्से में कार्यक्रम करता हूं। परसों इस समय हम लोग गुजरात में अहमदाबाद में उससे 400 किलोमीटर आगे हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की जन्म शताब्दी पोरबंदर में इस समय कार्यक्रम कर रहा था। पूज्य बापू की विरासत जिसको आज आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, एक ऐसी विरासत के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं साथियों। एक ऐसी विरासत जिसमें हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को साथ लेकर चलने का अवसर मिलता है। हम ऐसे विभाग में काम करने वाले आज दोनों प्रमुख लोग यहां आपके सामने उपस्थित हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उपस्थित है सर। यह संयोग है या प्रयोग है मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा मानना है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग जमीन के निचले हिस्से पर सबसे ज्यादा एक्टिव है। और आज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि ग्रामोद्योग विकास योजना का जो सामान आज आप देख रहे हैं उसके साथ साथ हमारी सरकार हमारे पास प्रेंटिसशिप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP जिसके माध्यम से हम लोग 1,00,000 रुपए से लेके 50,00,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाते हैं। 1,00,000 रुपए से लेके 50,00,000 रुपए तक का लोन उसके अंदर 35% सब्सिडी, 35% सब्सिडी साथियों। अगर आप 50,00,000 रुपए का ऋण लेते हैं तो 17,50,000 रुपए आपके डायरेक्ट अकाउंट में डालने का काम सरकार करेगी। अगर आप 25,00,000 रुपए का लोन लेते हैं तो 8,50,000 रुपए सरकार आपके अकाउंट में डालने का काम करती है और सीधे आपके अकाउंट में लाने का काम ये DBT के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश में हमने इसको हासिल करने का काम किया। साथियों ये स्कीम PMEGP चेयरमैन साहब, PMEGP 50,00,000 रुपए तक का ऋण, इसके माध्यम से हमने पूरे देश में अभी तक 9.5 लाख से ज्यादा परियोजनाओं को देश में लगाने का काम किया है और उसके माध्यम से 82,00,000 लोगों को रोजगार और 25,000 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी वितरण का काम हमारे विभाग ने अभी तक किया है सर। यहां का मेरा युवा बैठा है, यहां की मेरी मातृशक्ति बैठी है, अपने घर परिवार में अपने गांव खेत खलिहान में आपको बैठे बैठे इसको बनाने का काम आपको घर बैठे करना है। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का एक सिंगल पेज का फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है, आप भर दीजिए, लोन आपके घर पे पहुंच जाएगा, सब्सिडी आपके घर पहुंच जाएगी। इसकी जिम्मेदारी मेरे विभाग की है। साथियों ये विकास और विरासत और विश्वास और रोजगार की जो ये यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जब चल रही है, तब मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग आप लोगों को, आप लोगों के सपनों को, आप लोगों के विश्वास को, आप लोगों के हुनर को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। आपका एक एप्लीकेशन का फॉर्म अगर हमारे पास पहुंचेगा तो नागालैंड का प्यार हमारे तक पहुंचेगा, हम ऐसा मान के चलने वाले लोग। खादी ग्रामोद्योग उसका अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास जब भी कभी नॉर्थ ईस्ट से संबंधित कोई भी विषय आता है, कोई भी शिकायत आती है, मैं आज आपको यहां डंके की चोट पे बोलता हूं उसको 24 घंटे में हल करने का काम हमारा विभाग करता है 24 घंटे। और जिस विषय को चेयरमैन साहब ने यहां रखा है खादी प्लाजा, मैं जब अध्यक्ष बना तो मेरे पहले निर्णयों में से एक निर्णय यह था कि
कि नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से खादी प्लाजा लग पाए, इसके प्रयासों में हमें तेजी लानी है और राज्य सरकार से बात करके इसको आगे बढ़ाना है। आपकी तरफ से जब भी ये विषय, राज्य सरकार की तरफ से जब भी विषय मेरे पास आएगा, मैं आपको यहां इस मंच के माध्यम से भरोसा देता हूं कि पहली कमीशन मीटिंग के अंदर ही आपके निर्णय को पास करवाने का काम मेरा, ये जिम्मेदारी मेरी है। हम लोग सुबह घर से निकलते हैं, रात को 1 बजे घुसते हैं, सुबह 5 बजे 6 बजे निकलने वाले लोग 18 घंटे राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन, जब इतनी कड़ी तपस्या हमारा एक एक कार्यकर्ता जमीन पे करता है, तो मैं मान के चलता हूं कि राष्ट्र निर्माण का हमारा संकल्प सबसे बड़ा होता है, सबसे प्रमुख होता है, सबसे आगे होता है कि हमारे राष्ट्र को नागालैंड से लेके पोरबंदर, ऐसा है ये पोरबंदर है, ये नागालैंड है, ये कश्मीर है, ये कन्याकुमारी है। जब देश के हमारे पहले राज्य अगर कहीं से भी आपको आना है, तो जिधर से भी आप घुसेंगे, तो दिल्ली वाले तो बाद में आने हैं, सबसे पहले तो नागालैंड आएगा, उधर से घुसेंगे तो पोरबंदर आएगा, उधर से घुसेंगे तो तवांग आएगा, उधर से करेंगे कश्मीर आएगा, उधर से घुसेंगे तो कन्याकुमारी आएगा। इसलिए हमारे विभाग ने यह तय किया कि हमारे विभाग में सीमावर्ती क्षेत्र, दूर दराज के क्षेत्र, जिनको लोग पहले आखिरी राज्य और आखिरी गांव बोलते थे, हम उनको पहला राज्य और पहला गांव मानते हैं। इस उद्देश्य के साथ हम लोग काम करते हैं। साथियों, मेरे विभाग ने 10 साल पहले खादी ग्रामोद्योग, उसकी बिक्री का आंकड़ा 30,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, 30,000 करोड़। 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके अथक प्रयास, उनकी मेहनत, उनके विराट निर्णयों से, उनकी कमिटमेंट से 10 साल में जो बिक्री 30,000 करोड़ रुपए थी, वो 1,35,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है और ये पहली बार हुआ। 10 साल में खादी जैसे विभाग में, खादी ग्राम उद्योग में 10 साल में अतिरिक्त 1,00,000 करोड़ रुपए आना, मुझे लगता है एमएसएमईज में अगर सबसे बड़ी बूस्ट और डोज का काम अगर किसी ने किया है, तो इस 1,00,000 करोड़ रुपए ने किया है, जिसके माध्यम से पिछले 10 सालों में देश में करीब 12-13 करोड़ लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर निकलने का काम हमारे देश में हुआ है। ये नीति आयोग का आंकड़ा है, ये हमारे प्लानिंग कमीशन का आंकड़ा है। साथियों, वो जमाना चला गया जब निराशावादी लोग, देश में नेगेटिविटी का वातावरण, हर जगह स्कैम, एक ऐसा वातावरण 10 साल पहले जिसको देखो, अखबार खोलो, पेपर खोलो, टीवी खोलो, न्यूज खोलो, जहां खोलो, हर ओर एक ही चर्चा, किस नेता ने ये स्कैम किया, इस सरकार ने ये स्कैम किया। आज 10 सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्कैम नाम की कोई चीज कहीं दूर दूर तक है नहीं। आज मैं जिस विभाग में बैठा हूं, उस विभाग को डंके की चोट पर यहां खड़े होकर बोल सकता हूं कि मेरे विभाग में किसी की ताकत नहीं है कि मेरे किसी भी नागरिक को, मेरे किसी भी परिवारजन को अपनी योजनाओं को लेकर परेशान कर दे। ऐसा वातावरण हम लोगों ने खत्म कर दिया। साथियों, मुझे करीब 20 महीने हुए हैं अध्यक्ष बने हुए, 20 महीने हुए अध्यक्ष साहब मुझे, चेयरमैन साहब मुझे अध्यक्ष बने हुए। 20 महीने में मैंने देश के हर राज्य का दौरा किया है और कई राज्य तो ऐसे हैं जहां मैंने 5-5, 6-6 बार दौरा किया। एक राज्य जो मेरा बाकी था अभी तक, वो नागालैंड था, और मैंने कहा जब भी नागालैंड जाऊंगा तो खाली भाषण देने के लिए नहीं जाऊंगा, जब भी नागालैंड जाऊंगा तो हमारे लोगों के लिए सरकारी योजना का कुछ ना कुछ सामान हमारे साथ होना चाहिए,
ताकि आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान में, स्वरोजगार के इस अभियान में हमारे नागालैंड के भाई बंधु भी हमारे साथ कंधे से कंधा आगे मिलाकर चले। इस दिशा में हमने ये प्रयास आज यहां पर किया। आपकी उपस्थिति हम सब लोगों को एक नई शक्ति देगी, नागालैंड में काम करने का एक नया वातावरण खड़ा करेंगे। आने वाले समय में खादी ग्रामोद्योग विभाग इन योजनाओं के साथ साथ माटी कला, खादी शक्ति, लोटस सिल्क, महिला सिलाई समृद्धि योजना, सर्विस इंडस्ट्री, इन अनेक दिशाओं में नई योजनाओं के ऊपर काम कर रहा है। पिछले 10 सालों में हमने खादी कारीगरों के वेजेस में 3 गुना के करीब बढ़ोतरी की है। G20 में आपने देखा होगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता जब भारत मंडपम से राजघाट की यात्रा पे कदम ताल कर रहे थे, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे गरीब की खादी को उनके गले में पहना दिया था। वो दृश्य आप सब लोगों ने देखा होगा। ऐसा ऐसे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नागरिकों का समर्पण, देश के प्रति उनका जुनून, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को दिन रात दौड़ने पे मजबूर करता है। उनकी मजबूती कल रात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कल रात दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में सुबह 3:30 बजे तक बैठक कर रहे थे, सुबह 3:30 बजे तक, और सुबह 7:30 बजे उठ के और 10 बजे झारखंड में मीटिंग कर रहे हैं। और उम्र कितनी? 73 साल। तो जब ये सुबह दृश्य देखा तो मैंने ट्विटर पे लिखा है आज कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी ये शक्ति और ऊर्जा जब देखते हैं तो देखकर हमारे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं को नई प्रेरणा मिलती है, तोड़ने के लिए नया मंत्र मिलता है, और जब जब आपको देखते हैं अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का भाव हर पल हमारे दिल के अंदर से गुजरता है, और अपने राष्ट्र के लिए करना है, हर पल करना है, करके रहेंगे, ये भाव हमारे लेके मन में जब हम लोग आगे निकलते हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्पित जीवन, उनके समय का पल पल, उनके शरीर का क्षण क्षण जब राष्ट्र के लिए समर्पित है, तब हमारे जैसे युवाओं को एक नई शक्ति मिलती है कि हमारा भारत 2047 विकसित भारत का हमारा संकल्प, दुनिया में हम कहां होंगे, हमारा राष्ट्र कहां होगा, हमारे राष्ट्र के 140 करोड़ लोगों का सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्श वाक्यों के साथ हमारे भारत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र को आगे लेके जाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, हर नागरिक को विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। इस दिशा में हमें लगातार एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, आगे चलना होगा। साथियों, मेरी बहनें यहां बैठी हैं, आज यहां पोटरी मशीन आप लोग देख रहे हैं, अगली बार जब आऊंगा तो नागालैंड में आपका भाई आपके लिए सिलाई मशीन लेके आएगा, ये वादा मैं यहां से करता हूं। और हमारी सरकार ऐसी है, हम लोग जो दिन रात राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव रखते हैं, अपने नागरिकों के लिए कुछ कर गुजरने का भाव रखते हैं, हम एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जहां का बच्चा बच्चा अपने राष्ट्र के लिए कर गुजरने का जज्बा रखता है। हम एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जहां की हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हर ओर आप जहां देखेंगे हर ओर एक नया भाव आपको नजर आएगा। जिस राज्य में जाएंगे अलग खान पान, अलग पहनावा आपको नजर आएगा। हम एक ऐसे भारत में रहते हैं जहां का नागरिक अपने राष्ट्र के लिए, मुझे कुछ करना है, मैं तो करके रहूंगा, ऐसे भाव से चलते हैं। एक ऐसे राज्य में हम लोग, एक ऐसे देश में हम लोग रहते हैं। साथियों, मुझे नागालैंड
आप लोगों का ये प्यार आज लेके आया है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि नागालैंड जहां पर जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए यहां लगातार आने का प्रयास करूंगा और मेरा विभाग आपके लिए आने वाले दिनों में और क्या कर सकता है, इस दिशा में हम लोग एक साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। और साथियों, विकास के लिए, विकास और विरासत के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है। विकास के लिए हमें दिन रात दौड़ना है और विकास, विकास और तेज विकास, ये हमारा मूल मंत्र है। इसके साथ हम नागालैंड को आगे लेके चलेंगे। मेरे साथ आप लोग, जब भी हम हमारे राष्ट्र की बात करते हैं तो हमारा भाव एक ही होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसी आदर्श वाक्यों के साथ हम लोग मिलकर हमारे राष्ट्र के लिए काम करेंगे, नागालैंड के लिए काम करेंगे, नागालैंड के नागरिकों के लिए काम करेंगे, नागालैंड की मातृशक्ति के लिए काम करेंगे, नागालैंड के युवा के लिए काम करेंगे और नागालैंड के जवान के लिए काम करेंगे, नागालैंड के किसान के लिए काम करेंगे। इस भाव के साथ हमें आगे बढ़ना है। मेरे साथ एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, भारत माता की। धन्यवाद साथियों। सुकानिशना व्यूअर्स, के वी आई सी लगा चेयरमैन मनोज कुमार ब्रा आज डिमापुर डिस्ट्रिक्ट है तला प्रेजेंस देने खादी इंडस्ट्री के ग्रो करें आज की नी अंडर द एम एस एम ई लगा भर थे की फैसिलिटीज बेनिफिशरीज के प्रोवाइड कर 100 इलेक्ट्रिक पॉटरी मेकिंग मशीन और 20 अगरबत्ती मेकिंग मशीन और कैसेगुली तो दोना मेकिंग मशीन भी चार्टा दिशे महान लिस्टे चाह पारे इतना आज बेनिफिशरीज खान सब किमान इतो स्कीम भर फैसिलिटीज पा लगे तहान पाई जैसे नॉट ओनली दिस चेयरमैन पर क्या निचना आगे दी भी इनका और आई थक और तक एक प्रमिश कि करें हाला स्टेट कारण दैट जी नेक्स्ट कमिशन मीटिंग बहुत तई ते प्रमिश कर नागालैंड भर खादी प्लाजा फर्स्ट बनाब लगे तई प्रपोज करब कैसे दैट मीन्स बिग ग्रोथ और खादी इंडस्ट्री के ग्रो करें जिम्मत काम कर लगे नी इंडिविजुअल खान यू फैसिलिटी लोबे वेबसाइट जाए एक सिंगल फॉर्म डाउनलोड कर फिलप कर दी भी तला कमिशन बा कौन कभी नाचारी किने यू तो फुलफिल कर दूर प्रमिश भी एक करना जाए और तहला सरकार बा किन का काम करने जाए इतना भी आज तई कहने जा लगा अपने इनके जन दिया से सो व्यूअर्स इनके न्यूज़ अपडेट पाई चाहिए नागालैंड टीवी मैं रिपोर्टर मुसरफ अली विथ माई वीडियो जर्नलिस्ट चॉचिंग इन फॉर्म Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Jio TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter.